नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एनसीईआरटी से जुड़े भूगोल के प्रश्नों को लेकर आई हूं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। उत्तर ए कर्नाटक। व्याख्या, भारचुक्की प्रपात बंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जल प्रपात शिवनासमुद्रम प्रपात की ही हिस्सा है। प्रश्न, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ए बोंगाईगांव रिफाइनरी, बी बिना रिफाइनरी, सी हल्दिया रिफाइनरी, डी नूमालीगढ़ रिफाइनरी। उत्तर बी बिना रिफाइनरी। व्याख्या, बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? ए देवी नदी, बी पेनार नदी, सी हुगली नदी, डी भीमा नदी। उत्तर ए देवी नदी। व्याख्या, देवी नदी महानदी के एक प्रमुख शाखा है। यह ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? ए पश्चिमी यूरोप, बी रूस, सी मध्य अफ्रीका, डी दक्षिण पूर्व एशिया। उत्तर सी मध्य अफ्रीका। व्याख्या, मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक भूगोलों क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए सी ई और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। प्रश्न, संकोष नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनती है? ए बिहार और पश्चिम बंगाल, बी असम और अरुणाचल प्रदेश, सी असम और पश्चिम बंगाल, डी बिहार और झारखंड। उत्तर बी असम और अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या, संकोष नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। प्रश्न, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। उत्तर बी जम्मू कश्मीर। व्याख्या, पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। प्रश्न, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी
सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति। सी भूमध्य रेखीय सदाबहार। डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उत्तर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। व्याख्या, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए टेरेंस बेनन, बी डंकन चेससेल, सी राइनहोल्ड मेसनेर, डी जीन त्रोइले। उत्तर सी राइनहोल्ड मेसनेर। व्याख्या, जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर हाइबेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। प्रश्न, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? ए 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, बी 7 डिग्री 4 से 39 डिग्री 6, सी 8 डिग्री 7 से 36 डिग्री 6, डी 7 डिग्री 4 से 40 डिग्री 6। उत्तर ए 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। व्याख्या, भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। प्रश्न, काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? ए भूटान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी चीन। उत्तर बी म्यांमार। व्याख्या, काचिन पहाड़ियां म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको यह चैनल कैसा लगता है इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।